गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि जो आपके पेपर फर्स्ट दे रखा है डायवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन, उसके अंदर पार्ट जो सेकंड था उसके अंदर हम चैप्टर्स की हमने बात की थी, 11 चैप्टर्स की हमने बात की थी, ये चैप्टर्स के अंदर आपके आएंगे। तो उसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करें जो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन, और इसके अंदर भी हम दो आपके सिद्धांत आपके सिलेबस में दे रखे हैं जिसकी हमें बात करनी है, लामार्किज्म एंड डार्विनिज्म। ये दो सिद्धांत अपने को आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें, एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। उद्विकास है क्या? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन है क्या चीज। उद्विकास का मतलब है कि उद्विकास कोई अचानक से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, उद्विकास कई करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है। ठीक है, जंतुओं के अंदर जो धीरे धीरे विकास होता है, मतलब एक सरलतम जीव से एक जटिलतम जीव का जो विकास होता है, ये विकास होने की क्रिया ही क्या कहलाती है आपकी, उद्विकास कहलाती है। और ये उद्विकास मैंने भी बताया कि उद्विकास ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो कुछ ही समय के अंदर हो जाए, उद्विकास निरंतर चलता रहता है जीवों के अंदर, उत्तरोत्तर विकास करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी को हम क्या कह रहे हैं आपके, उद्विकास हम कहते हैं, इवोल्यूशन हम कहते हैं। तो सबसे रोचक चीज सबसे पहले तो यही है, अगर हमने आकलन करें, हम सोचें कि इस पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ होगा, या हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो जीव हमें दिखाई दे रहे हैं क्या वो शुरुआत से पृथ्वी पर इसी तरह मौजूद थे, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं, ठीक है, तो पुराने टाइम में अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल के अंदर एक सृष्टिवाद का सिद्धांत दिया हुआ है, जेनेसिस। उस जेनेसिस के अनुसार यह माना गया है कि इस पृथ्वी पर जो जीवों का विकास हुआ है, उस जीवों का जो विकास है वो ईश्वर के द्वारा किया गया है। मतलब कि भगवान ही इस पृथ्वी पर जितने भी आपको जीव दिखाई दे रहे हैं उनका निर्माण करता है। और दूसरी बात कहता है कि इस पृथ्वी का जो निर्माण है और पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो कुछ ही हजारों वर्ष पूर्व हुई है, और जीव जैसे विकसित भगवान ने जैसे बनाए हैं वो वैसे ही आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सिद्धांत है आपके बाइबल के अनुसार कि भगवान ने ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया कुछ हजारों वर्ष पूर्व, और भगवान ने ही इस धरती पर जीवों का निर्माण किया है, और जो जीव जैसे भगवान ने बनाए थे वो आज भी वैसे के वैसे ही है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं। ये थ्योरी कहलाती है सृष्टिवाद, जेनेसिस का सिद्धांत आपके कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ होगा, जीवन का तो बाद में हम बात करेंगे। तो पृथ्वी पर जीवन की हम बात करें तो एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, और ये बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग नेक्स्ट हम बात करें कि जीवन की उत्पत्ति
प्राचीन परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में हम बात करें, तो सबसे पहली जो परिकल्पना दे रखी है वो दे रखी है आपके विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत। और ये विशिष्ट सृष्टिवाद के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे आपके पादरी शोरेंस, फादर शोरेंस। और फादर शोरेंस का मानना था कि इस पृथ्वी का निर्माण और पृथ्वी पर जितनी भी आपके चीजें हैं, उन जितनी भी आपके जीव है, उन सबका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ईश्वर के द्वारा किया गया है। और ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण 6 दिनों के अंदर किया है। कितने दिनों के अंदर? 6 दिनों के अंदर इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। और फादर शोरेंस बताते हैं कि ईश्वर के द्वारा पहले दिन स्वर्ग और नरक का निर्माण किया गया। पहले दिन स्वर्ग और नरक बनाया गया ईश्वर के द्वारा। दूसरे दिन आकाश तथा जल का निर्माण किया गया। तीसरे दिन सूखी धरती और वनस्पति भगवान ने बनाई। चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे ईश्वर ने बनाए। पांचवें दिन मछलियां तथा पक्षी बनाए। और छठवें दिन उसने स्थलीय जंतु और मनुष्य का निर्माण इस धरती पर किया। तो इस तरह से 6 दिन में ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया। और बाइबल में यह भी कहा गया है कि जो सर्वप्रथम का जो मनुष्य था, सबसे पहला मनुष्य, वो कौन था? आदम था, एडम था। और उसकी 12वीं पसली से किसका निर्माण हुआ? ईव का, हव्वा का निर्माण हुआ। मतलब जो प्रथम आदि पुरुष बना वो कौन था? एडम था। और उसकी 12वीं पसली से प्रथम नारी का निर्माण हुआ, इसका नाम क्या था? ईव या हव्वा था। और एडम और ईव की ही हम क्या है? सभी संतान है। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो हिंदू परंपरा में भी क्या कहा गया? आदि जो पुरुष है वो कौन सा है? मनुष्य है। और मनुष्य की जो 12वीं पसली से किसका निर्माण हुआ है? श्रद्धा का निर्माण हुआ है। और इस मनु और श्रद्धा की ही सभी क्या है? संततियां। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत कहलाता है, स्पेशल क्रिएशन का सिद्धांत कहलाता है। और इसके समर्थक कौन थे? आपके फादर श्योरेंस इसके समर्थक थे। क्लियर? और यह सिद्धांत क्या कहता है कि ईश्वर ने इस धरती पर जो ये सृष्टि है उसका निर्माण किसने किया? ईश्वर ने 6 दिनों के अंदर किया है। नेक्स्ट हम बात करें कि स्वतः जननवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्वतः जननवाद का सिद्धांत कि इस धरती पर निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही जीवित जीवों का निर्माण हो गया। यह सिद्धांत कहलाता है स्वतः जननवाद का सिद्धांत। और उसके समर्थक कौन कौन से थे? थेल्स, एनाक्सिमिंडर, एम्पिडोक्लिस, प्लेटो, अरस्तु, ये सभी इसी सिद्धांत के समर्थक थे। इन सभी का यह मानना था कि इस धरती पर जो जीवित जीव है उनका निर्माण निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही हुआ है। और एक वैज्ञानिक थे वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने इस सिद्धांत का प्रायोगिक समर्थन भी कर दिया। वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने क्या किया कि एक बिल्कुल मैली पसीने से भीगी हुई एक गंदी सी सड़क ली और उसमें उसने क्या किया कि जो गेहूं का चोकोर युक्त आटा होता है उससे उसको सान के उसमें उससे मिला के उसको एक अंधेरे कमरे के कोने के अंदर रख दिया। और 21 दिनों के बाद में वो देखता है कि उस गंदी सड़क से, उस चौकोर से, सनी हुई सड़क से क्या चूहों की उत्पत्ति स्वतः ही हो गई। तो यह प्रायोगिक समर्थन जिसने दिया वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया कि पदार्थों से जीवित जीवों की उत्पत्ति है वो कैसे हो जाती है? स्वतः ही हो जाती है। नेक्स्ट सिद्धांत आपका कॉस्मोजोइक थ्योरी, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। और इस ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके रिचर। कौन थे? रिचर। रिचर का कहना था कि इस पृथ्वी पर जो सर्वप्रथम जो जीव आया वो किसी अन्य ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से आया। वो किसी जीव द्रव्य के रूप में आया, बीजाणु के रूप में आया या अन्य कणों के रूप में वो क्या आ गया? आपकी पृथ्वी के ऊपर आ गया। और पृथ्वी पर पहुंचकर उसने विभिन्न रूपों को क्या दिया? जन्म दिया। तो ये थ्योरी क्या कहलाती? ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत है।
सीधी सी बात है ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत के अनुसार कि जीवन दूसरे ग्रहों से विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर पहुंच गया। वो विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं, कोई बीजाणु हो सकते हैं, कोई जीव द्रव्य के रूप में या किसी अन्य कणों के रूप में क्या आ गए, वो आपके पृथ्वी तक पहुंच गए और पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने विभिन्न रूपों को क्या दिया, आपके जन्म दिया। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, आपका ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत आपके कहलाता है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे अर्हेनियस। कौन थे, अर्हेनियस कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत के समर्थक थे। और इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के जो बीजाणु, जीवों के बीजाणु स्वतंत्र रूप से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आ जा सकते हैं। वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंचकर उसने जीवन का विकास किया, उसने विभिन्न जीवों का विकास किया। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, आपका कॉस्मिक पैनस्पर्मिया। ठीक है, ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत में क्या कह रहे थे, ब्रह्मांडवाद में कि जो जीव है या जीवित जीव है वो किसी दूसरे ग्रह से विभिन्न रूप में आया, तो जीव द्रव्य के रूप में आया, किसी बीजाणु के रूप में आया, किसी अन्य रूप में वो आया। ठीक है, लेकिन कॉस्मिक पैनस्पर्मिया में क्या कहते हैं कि जो ये विभिन्न रूप हैं, जीवों के बीजाणु हैं, वो ग्रहों पर स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे, उनका आवागमन हो सकता था और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंचकर उसने क्या किया, जीवों का विकास किया। नेक्स्ट सिद्धांत है जीवन की अनंत कालता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, जीवन की अनंत कालता का सिद्धांत। और इसके समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे हेल्महोल्ट्ज़। हेल्महोल्ट्ज़ का मानना था कि जीवन क्या है, अमर है, किस पृथ्वी पर जीवन हमेशा से था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जीवन विकसित हुआ, विकास हुआ, हमेशा से जीवन क्या था, इस ग्रह पर मौजूद था। तो ये किसका मानना था, आपके हेल्महोल्ट्ज़ का मानना। नेक्स्ट हम बात करें जो सबसे वर्तमान में मान्य सिद्धांत है कि जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, कि जीवन का विकास है, जीवित जीवों का विकास है, वो स्वतः नहीं होता, वो जीवित जीवों से ही हो सकता है। तो इस सिद्धांत ने क्या किया, पहला काम तो किया कि स्वतः जननवाद का सिद्धांत था जिसके काफी समर्थक थे, हमने कहा कि अरस्तु भी समर्थक थे, प्लेटो भी समर्थक थे, एम्पेडोक्लिस भी समर्थक थे, थेस्ली थे, एनाक्सिमेन थे। तो सबसे पहले तो उसने उस सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन किया कि जीवित जीवों का विकास कभी भी निर्जीव पदार्थों से नहीं हो सकता, जीवित जीवों का विकास हमेशा जीवित जीवों से ही। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, यह कहलाता है जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत एक चीज का तो खंडन कर रहा है कि स्वतः नहीं हो सकता, लेकिन यह सिद्धांत इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि फिर जीव जो बनते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। यह तो कह देता है कि जीवों का निर्माण पूर्ववर्ती जीवों से होता है, सही है, हम भी मानते हैं वर्तमान में कि जीवों का निर्माण है पहले से उपस्थित जीवों से होता है, लेकिन जो पहले से उपस्थित जीव है वो कहां से आए, वो इस सिद्धांत में नहीं बता, उस सिद्धांत से उस चीज का पता नहीं चलता। तो इसने दो चीजें तो हमें बताई कि स्वतः जीव उत्पन्न नहीं होते और दूसरी चीज कि जीवों का निर्माण पूर्व उपस्थित जीवों से ही होता है। तो यह था आपका जीवा जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। और जीवा जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से बताने के लिए तीन वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। सबसे पहला जो प्रयोग किया वो किया फ्रांसिस्को रेनी, इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1668 में एक प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया, कुछ जार लिए और इन जारों में क्या रखा, इसने पका हुआ मांस क्या रखा, इसने कुछ जार लिए और इस जार में क्या किया, इन्होंने पका हुआ मांस रखा और एक जार को तो इन्होंने खुला छोड़ दिया, एक जार को इसने पर्चमेंट की झिल्ली से ढक दिया और एक को क्या कर दिया, इसने वायु रोधी बना दिया। क्या किया फ्रांसिस्को रेनी ने, तीन जार लिए और इन तीनों जारों के अंदर इसने पका हुआ मांस रखा, एक को इसने खुला छोड़ा, एक को पर्चमेंट की झिल्ली से ढक दिया और तीसरी को क्या किया, वायु रोधी बना दिया।
इन्होंने कुछ समय पश्चात में देखा कि जिसको खुला छोड़ा था उसके अंदर मक्खी के लार्वा और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु विकसित हो गए, मैगट लार्वा विकसित हो गए खुले के अंदर। दूसरा, जिसको पर्चमेंट की झिल्ली से ढका था उसकी पर्चमेंट की झिल्ली के ऊपर क्या हो गए, मक्खी के लार्वा उसको मिले सूक्ष्म जीवाणु से। और जो तीसरा जार था जिसको वायुरोधी बना दिया था उसका जो अंदर का मांस था उसके अंदर उसको कोई भी सूक्ष्म जीवाणु जीवन का कोई भी रूप उसको मैगट दिखाई नहीं दिया, मक्खी के लार्वा मैगट उसको दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो खुला हुआ जार था उस खुले हुए जार में आसानी से पहले से उपस्थित जीवाणु थी, मक्खियां आ जा सकती थी, उसने वो मक्खियां वो सूक्ष्म जीवाणु अंदर आए उस जार के अंदर, वो आने के बाद से जनन किया, अंडे दिए, इस कारण उसमें हमें क्या मिल गए, मक्खी के लार्वा मैगट मिल गए और दूसरे सूक्ष्म जीवाणु। दूसरा, जिसको हमने पर्चमेंट पेपर से ढका था उस पर्चमेंट पेपर में अंदर नहीं जा सके लेकिन उस पके हुए मांस की खुशबू से आकर्षित होकर जीवाणु और मक्खियां उस पर्चमेंट झिल्ली के ऊपर आकर बैठी और उस पर्चमेंट झिल्ली के ऊपर अपने मक्खी के लार्वा मिले और हमें सूक्ष्म जीवाणु। और तीसरा, इसे वायुरोधी बना दिया था उसके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीवाणु या मक्खी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो जो पका हुआ मांस था उसके अंदर हमें कोई भी जीवन का कोई भी अपने को लक्षण मौजूद दिखाई नहीं दिया, जीवन का कोई भी रूप अपने को उसके अंदर दिखाई नहीं दिया। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह कहकर इस सिद्धांत का खंडन किया कि जो वायुरोधी बना दिया तो वायुरोधी बना दिया था, अगर उसके अंदर जीव होते भी तो वो क्या हो गए, उस वायु की अनुपस्थिति में क्या हो गए, मर गए, खत्म। तो उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए लेजरो स्पेलेंजा। लेजरो स्पेलेंजा ने भी आपके इटली के वैज्ञानिक थे, 1767 के अंदर वापस एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, लेजरो स्पेलेंजा ने मांस और सब्जियों को उबाला और उबाल कर इसने क्या किया, एक सूप तैयार किया, मांस और सब्जियों का सूप तैयार किया। इसने कुछ जो जार थे उनको सील बंद कर दिया और कुछ को क्या किया, इसने कॉर्क से बंद जारों में रख दिया। अब जो कॉर्क से बंद जार थे उन कॉर्क से बंद जारों के अंदर कुछ समय पश्चात उसको क्या दिखाई दिए, जीवाणु दिखाई दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉर्क के अंदर जो सूक्ष्म छिद्र थे उन सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से जीवाणु जो है वो अंदर सूप के अंदर प्रवेश कर गए और सूप के अंदर अपने को क्या मिले, जीवाणु मिले। लेकिन जो सील बंद थे जार, उन सील बंद जार के अंदर हवा अंदर पास नहीं कर पाई और जब हवा नहीं जा पाई तो सूक्ष्म जीवाणु भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इस कारण क्या हुआ कि जो सील बंद थे उस सूप के अंदर हमें कोई भी जीवन का लक्षण दिखाई नहीं दिया लेकिन जो कॉर्क से बंद थे उसके अंदर अपने को जीवन के लक्षण दिखाई दिए, जीवन के रूप अपने को दिखाई दिए, उस जीवाणु अपने को दिखाई दिए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने फिर इस सिद्धांत का खंडन कर दिया कि जब आपने उसको गर्म किया तो गर्म करने पे क्या हुआ कि जो भी पहले से मौजूद थे जो भी जीवन का रूप था वो क्या हो गया, खत्म हो गया और इस उबले हुए के अंदर, इस गर्म सूप के अंदर तो जीवन हो ही नहीं सकता, जीवन का विकास हो ही नहीं सकता। तीसरे वैज्ञानिक है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1862 में एक प्रयोग किया, इन्होंने एक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, शक्कर और यीस्ट का घोल लिया और शक्कर और यीस्ट के घोल को एक फ्लास्क के अंदर रखा, एक फ्लास्क उन्होंने ऐसे की कि उसको तोड़ दिया, एक फ्लास्क को क्या किया इसने गर्म करके और उसकी जो नलिका होती उस नलिका को ऐसे रूप के अंदर इसने मोड़ दिया। अब ये क्या देखते हैं कि जो टूटी हुई थी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी फ्लास्क की उसके अंदर आसानी से क्या हो सकती थी, हवा आ सकती थी, तो हवा के साथ साथ मक्खियां आई, जीवाणु आए और अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, अंडे दिए मक्खियों ने, जीवाणु उनके अंदर उन्होंने वृद्धि की, तो उस टूटी हुई गर्दन वाले फ्लास्क के अंदर तो क्या दिखाई दिए, जीवाणु दिखाई दिए, मक्खी के लार्वा दिखाई दिए, लेकिन जो एस रूप में मुड़ी हुई नलिका थी जिस फ्लास्क की उसके अंदर जीवन का कोई भी रूप दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हवा तो जा सकती थी लेकिन हवा के साथ में जैसे हवा उसके अंदर प्रवेश की तो हवा के साथ में जो जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश किए वो उस एस रूपी नलिका के घुमाओं के अंदर जाकर फंस गए और जो सूप था यीस्ट आपके शक्कर का वहां तक नहीं पहुंच,
था, इस कारण उस क्लास के अंदर कोई भी जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु दिखाई नहीं। तो इन तीनों सिद्धांतों से एक बात पक्की हो गई कि जीवों का जो निर्माण होता है, जीवों का जो विकास होता है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है, वो पूर्ववर्ती जीवों से ही होती है, स्वतः नहीं। इस चीज का खंडन हो गया। लेकिन ये सिद्धांत ये नहीं बता सका कि उन पूर्ववर्ती जीवों का विकास कैसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसको हम दूसरा नाम भी देते हैं ओपेरी हार्डलेन की जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, या इसको हम केमिकल इवोल्यूशन भी हम इसको कहते हैं, रासायनिक उद्विकास भी हम कहते हैं। और रासायनिक उद्विकास के कारण सिद्धांत में क्या है कि रसायनों के संयोगों के परिणाम स्वरूप ही इस धरती पर क्या हुआ है, जीवन का विकास होता है। कि पहले कुछ एटॉमिक स्टेज में थे इस पृथ्वी पर, एटम के रूप में, परमाणु के रूप में, परमाणु अवस्था में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मौजूद थे। इन्होंने आपस में संयोग किया, संयोग करने के बाद में क्या बने, आपके मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। तो मॉलिक्यूल्स में जैसे हाइड्रोजन अत्यधिक थी उस समय, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से संयोग किया, क्या बन गया, आपका जल बन गया। तो सिंपल क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने, सिंपल मॉलिक्यूल्स बने। और मॉलिक्यूल्स कैसे थे, इनऑर्गेनिक थे, अकार्बनिक। इन अकार्बनिक यौगिकों के आपस में संयोग से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संयोगों के फलस्वरूप क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बात करें तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या बन गए, आपके अमीनो एसिड बन गए, ग्लिसरॉल बन गए, फैटी एसिड्स बन गए, प्यूरिन्स बन गए, पाइरिमिडिन्स बन गए। और जब इनमें आपस में संयोग हुआ तो पॉलीपेप्टाइड्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, डाइसैकेराइड बन गए, पॉलीसैकेराइड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, न्यूक्लियोसाइड्स बन गए। और इन जटिल कार्बनिक यौगिकों से आगे जाकर आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स बन गई, फिर यूकैरियोटिक सेल्स बन गई। तो इस तरह रसायनों के संयोगों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। इस सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से प्रतिपादित किया स्टेनले मिलर। स्टेनले मिलर हेराल्ड यूरे का शिष्य था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी ये सिद्धांत ओपेरिन हार्डलेन ने बताया कि आदि पृथ्वी का वातावरण ऐसा रहा होगा, उन्होंने प्रयोगशाला में ऐसी स्थितियां तैयार की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का एक मिश्रण लिया, 2:1